मैं इस समय भगवान भोलेनाथ के प्रांगण, विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित भगवान शिव के मंदिर तुंगनाथ के प्रांगण में हूं। पीछे आप भगवान तुंगनाथ का मंदिर देख सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इससे ऊंचा भगवान शिव जी का कोई मंदिर पूरे विश्व में नहीं है। और ये पंच केदार में से एक तृतीय केदार, जहाँ पे भगवान भोलेनाथ की भुजाओं की पूजा होती है, वही तुंगेश्वर महादेव है। ऐसा कहते हैं कि महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडवों को स्वर्ग जाना था, भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने थे, तो बैल के रूप में उन्होंने केदारनाथ में उनको दर्शन दिए। और दर्शन भी क्या दिए, भगवान भोलेनाथ जो जमीन है, जो क्रेवास है, उसमें चले गए। और जमीन में जाने के बाद उनके शरीर के पांच अलग अलग हिस्से पांच अलग अलग जगहों पर प्रकट हुए। उन्हीं में से जो हाथ हैं वो यहाँ पर प्रकट हुए, और हाथ हमारे शरीर के सबसे ऊपर रहते हैं, इसीलिए ये पंच केदार में सबसे ऊँचा स्थान है जो भगवान तुंगेश्वर का है। तो भगवान तुंगनाथ का मंदिर पूरा बर्फ से ढका हुआ, और पंच केदार के कुछ मंदिर मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये छोटे छोटे जो मंदिर हैं यहाँ पे, ये पंच केदार हैं। पंच केदार आपको बता देता हूँ, केदारनाथ, फिर मधमेश्वर, फिर तुंगनाथ, फिर रुद्रनाथ, और उसके बाद आता है कल्पेश्वर। तो ये पांच केदारनाथ हैं जो इसके मंदिर यहाँ पे बने हुए हैं। और काफ़ी लोग जो हैं इधर उधर से यहाँ पे आ रहे हैं। और ये पूरी जो धर्मशाला है जहाँ पे पुजारी जी वगैरह लोग रहते हैं, ये पूरा इस समय बर्फ से ढका हुआ है। अब कुछ समय बाद जब यहाँ पे कपाट खुलेंगे, लोग आएंगे, लेबर इस बर्फ़ को साफ करेंगे और फिर इसको रास्ता बनाएंगे यहाँ पे। तो ऐसा कुछ नज़ारा यहाँ पे दिखता है भगवान तुंगेश्वर मंदिर का, भगवान तुंगनाथ का।